फ्रेंड्स, स्वामीनंद स्कूल की ऑनलाइन क्लास में सभी का स्वागत है। सेवन क्लास का सेकंड चैप्टर चल रहा है पृथ्वी के अंदर। लास्ट टाइम पढ़ा था हमने पृथ्वी की, जो पृथ्वी है वो तीन चीजों से बनी होती है, परपट्टी, मेटल और थर्ड था क्रोड। परपट्टी कहते हैं पृथ्वी का जो ऊपर का भाग होता है उसे परपट्टी कहते हैं। अब परपट्टी में, परपट्टी किससे बनती है? परपट्टी बनती है सेल से। अभी सेल क्या होता है? ये प्राकृतिक पिंड होते हैं जो परपट्टी को बनाने के लिए आवश्यक होते हैं। अब आता है सेल कितने प्रकार की होती है। सेल होती तीन प्रकार की, आग्नेय सेल, औषधि, थर्ड होता है कायंत्रित सेल। आग्नेय सेल जब पृथ्वी के अंदर से जो ज्वालामुखी होता है, जब ज्वालामुखी फटता है तो उसके साथ में लावा निकलता है बाहर। जब लावा धीरे धीरे ज्वालामुखी जैसे ज्वालामुखी है जब ये फटता है तो साथ में धुआं निकलता है, और साथ में निकलता है लावा। जब ये लावा धीरे धीरे इकट्ठा होने लग जाता है तो ये कठोर होने लग जाता है, इसे ही कहते हैं आग्नेय सेल। अब जो आग्नेय सेल होती है वो दो प्रकार की होती है। फर्स्ट है अंतर्वेदी, और सेकंड होती है बहिर्वेदी। अंतर्वेदी का मीनिंग होता है जब लावा धीरे धीरे अंदर जमता जाता है तो कठोर होने लग जाता है, उसे कहते हैं अंतर्वेदी। बहिर्वेदी का मीनिंग होता है जब लावा बाहर इकट्ठा होने लग जाता है, उसे कहते हैं बहिर्वेदी। अवसादी और कायंत्रित हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू, आज इतने पढ़ेंगे।